कि जितना कभी किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता, किसी भी कोचिंग में उतना पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता। मैं कम से कम 10 प्रॉब्लम, 20, कम से कम 10 से ज़्यादा प्रॉब्लम मैं सॉल्व किया हूँ रिवर बोट प्रॉब्लम पे, और इसको अच्छे से समझाया हूँ। क्योंकि दिक्कत क्या है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। द पर्सन एमिंग, एक पर्सन की इच्छा है कि वो एक रिवर है, चलो ये रिवर है और इधर फ्लो हो रही है, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। और एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है या दूसरे बैंक पे खड़ा है, अब ये नदी में कूदना चाह रहा है, ठीक है। और ये इसकी इच्छा है कि मैं ए पॉइंट से, इसकी इच्छा मैं ओ से डायरेक्ट ए पर चला जाऊं, समझ रहे हो ना। इसकी इच्छा है डायरेक्ट ओ से ए पर जाऊं, ठीक है, जहां है सीधा वहां जाए। तो क्या ऐसे सीधा जाएगा तो वहां पहुंचेगा क्या ए पे? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा यार, रिवर की तो वेलोसिटी भी तो है, ड्रिफ्ट भी तो होगा। यहां से सीधे कूदेगा नदी में तो इधर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ इसको ओ से इधर कहीं कूदना पड़ेगा, रिवर में जंप मारना पड़ेगा इधर, ठीक है। और वो एंगल दिया हुआ 120 डिग्री पे, तो 120 डिग्री पर रिवर की वेलोसिटी से 120 डिग्री पे इधर की डायरेक्शन में जंप करेगा, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर। वो दिया हुआ है स्ट्रीम इन स्विमिंग विद वेलोसिटी 5.5 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, इधर नदी में जंप कर गया, ठीक है। ओ से इधर बी पे टारगेट बनाएगा, तभी तो रिवर की वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होके इधर जाएगा यार, ठीक है। तो ये वेलोसिटी 0.5 है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी? अब ये वेक्टर है, इसके कंपोनेंट करोगे तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, और एक ये ट्रायंगल रूल लगाओगे, एक ट्रायंगल रूल लगाओगे तो ये आ जाएगा, कुछ वेलोसिटी होगी ये, और ये रिवर की वेलोसिटी, ठीक है। तो जाके ये वाली वेलोसिटी मिलेगी हमें, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ये काम करो, हाँ इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो देखो, ये इधर जंप कर गया, ये 120 है और ये 30 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया, और पैरेललोग्राम लॉ से ये वाली जो वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी भी आर हो गई, ठीक है। तो भाई रिवर की वेलोसिटी इधर है, तो ये इस वेलोसिटी को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो 30 निकाल लो ना, साइन 30 कितना होगा? साइन 30 होगा पी बाई एच, बी आर अपन 0.5, ठीक है, 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिवर की वेलोसिटी आ गई, रिवर की वेलोसिटी आ वो पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, 0.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0.25 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है। एक्चुअली जब आदमी स्विमिंग करता है तो ये भी एम आर होता है, ये जो है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है, ठीक है। वो ये वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। पूरा थ्योरी वाला देखोगे तब मैं बहुत बेहतर तरीके से उसमें